बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए सिंगरौली जिले में जनपद स्तरीय रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। देवसर जनपद पंचायत में रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा बेरोजगार युवाओं का आवेदन पत्र लिया गया, जिन्हें योग्यता के आधार पर नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। उक्त मेले में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक, विधायक कमलेश्वर पटेल, जिला CEO साकेत मालवीय, जनपद CEO BK सिंह, कंपनियों के एडवाइजर रहे उपस्थित। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले में प्रति माह एक जनपद स्तरीय रोजगार मेले का और एक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। इसी तारतम्य में पिछले विगत महीने जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और उसके पश्चात जनपद स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन इस महीने से होना प्रारंभ हुआ है। मूल मकसद जो इस प्रकार के रोजगार मेले होते हैं उनका यह मकसद रहता है कि जो नियोक्ता फर्म है, कंपनी है, वो भी एक जगह पे उपस्थित हों और जो रोजगार पाने के लिए इच्छुक जो हमारे बंधु लोग हैं वो भी वहाँ पे उपस्थित हों और अगर उस जगह पे उनके बीच कुछ उनके योग्यता के आधार पे कुछ सामंजस्य बन पाता है तो उन्हें तत्काल कुछ रोजगार उपलब्ध हो पाए। या इस माध्यम से जो हमारे साथ जो एजेंसियां काम कर रही हैं, जैसे रोजगार कार्यालय है और उनसे जुड़ी हुई है जो एजेंसी जो ये सारे कार्यक्रम को भी हैंडल कर रही हैं, जिसको कि मध्य प्रदेश कौशल विकास विभाग है। इस मेले में लगभग 4850 आवेदन प्राप्त हुए थे। 4850 आवेदन के उसमें 361 लोग ज्वाइन कर चुके, 560 नियुक्ति पत्र जारी हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जैसी मंशा है कि हम उन्हें रोजगार, हम अपने यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को रोजगार देने का जो मंतव्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनकी जो मंशा है, हम सबकी जनप्रतिनिधियों की जिला में हम लोगों ने उस दिन जिला मुख्यालय पर एक आयोजन हुआ था जिसमें जिला रोजगार मेला का आयोजन हुआ। मैंने वहां पर कहा कि हमारे जनपद देवसर, जनपद चितरंगी और बैढ़न दूर दराज के लोग इकट्ठा यहां पर नहीं पहुंच पाते,
इसलिए मैंने जिला प्रशासन से, कलेक्टर साहब से और सीओ साहब से कहा कि वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिंगरौली से आध्या तिवारी की रिपोर्ट।